नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर भाई बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पीएस मोटोब में। तो गाइज आज आ गई अपने सामने मारुति इग्निस, वो भी भाई ब्लैक एडिशन। बहुत ही अच्छी लग रही है, नो डाउट पहली बार आई है अपने शोरूम में, और जो लुक्स है ना देखते ही बन रही है। ऐसा लग रहा है भाई कोई छोटा सा माफिया अपने जो है शहर में आ चुका है, जिसका नाम है भाई इग्निस ब्लैक एडिशन। कलर बहुत सही लग रहा है, छोटी सी गाड़ी है तो आप सभी जानते हो, तो जिसका ब्लैक कलर है ना बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये वाला जो कलर बेसिकली सेकेंड टॉप और टॉप मॉडल में ही आपको अवेलेबल किया जाता है आज की डेट में, क्योंकि मैंने इस कलर के बारे में पता किया तो बेस मॉडल में आपको ये कलर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको भाई इसका टॉप सेकेंड या तो टॉप मॉडल बाय करना पड़ सकता है। ये बेसिकली जो वेरिएंट देख रहे हो 2023 का लेटेस्ट इग्निस का जीटा वेरिएंट है, जिसमें आपको जो फीचर्स मिल जाते हैं ना काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं नो डाउट। जैसा आप भाई साइड से देख सकते हो, अलॉय व्हील्स भी हैं जो कि अपने ब्लैक कलर से काफ़ी मैच कर रहे हैं, और यहाँ पे लाइट चली गई है आई थिंक सो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपनी ब्लैक कलर की गाड़ी हम लोग आराम से कवर अप करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो से। तो यहाँ पे चाबी जो आप देख रहे हो ना, प्रॉपर आपको ब्लैक एडिशन में ब्लैक कीज देखने को मिल जाती है, वरना नॉर्मल सी आपको नेक्सा की कोई भी गाड़ी हो तो नीली कलर की चाबी आती है। भाई फ्रंट से शुरुआत कर रहे थे, तो फ्रंट में अपने को मिल जाता है बढ़िया सा सुजुकी का लोगो। क्रोम में यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सब कंपनी फिटेड है, ये एक्सेसरीज नहीं लगाई गई हैं। जैसा आप देख सकते हो तो टॉप सेकंड वेरिएंट में भी आपको ना काफ़ी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। फ्रंट में जो आप देख रहे हो इसके बम्पर में, तो यहाँ पे आपको ये जो क्लैडिंग है ये भी अटैच देखने को मिल जाती है, जो कि भाई पूरी गाड़ी में आप देख सकते हो। तो ये फ़ायदा होता है सेकंड टॉप भी लेने का, जिसमें आपको एक स्टैंडर्ड फीचर्स का पूरा पूरा पैकेज देखने को मिल जाता है। साइड में तो अपने अलॉय व्हील्स आ ही जाते हैं, और यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर भी दे रखा है। हालांकि चाबी जो है ना बहुत ही प्रीमियम है नो डाउट, ये सेकंड टॉप मॉडल है जिसकी भाई अगर प्राइसिंग आपको बताएं तो 6,96,000 रुपये एक शोरूम है, ऑन रोड जो कि पड़ जाती है करीब 8,20,000-30,000 रुपये के आसपास। तो ये हो जाती है बेसिकली अपनी बातें। इंटीरियर की तरफ अगर चलेंगे ना, तो यहाँ पे अपने को ये बेहतरीन सा इंटीरियर मिल जाता है इग्निस के ब्लैक एडिशन में भी। हालांकि इंटीरियर से कोई भी चेंज नहीं है, एक चीज़ आपको बता दूँ, ये केवल इसका बॉडी कलर है जो आपको ब्लैक कलर में अवेलेबल कर दिया जाता है। और अगर भाई यहाँ से देखोगे ना साइड प्रोफाइल, तो यहाँ से आपको समझ में आएगा इसका ब्लैक कलर। जो डायमेंशन है स्क्रीन पर आपके आ रहे हैं, और अगर यहाँ पे ORVM की बात करें ना, तो फोल्डिंग ORVM मिल जाता है। और यहाँ पे अगर इसको डोर पे आपको दिखाएं तो ये सारे के सारे फीचर्स हैं। पुश स्टार्ट स्टॉप फंक्शन आपको मिल जाता है इसके सेकेंड टॉप वेरिएंट में। जैसा आप देख सकते हो, ये है अपना बढ़िया सा इग्निस का इंटीरियर। कुल मिला के 8 लाख रुपये अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो काफ़ी सही रहने वाला है। इंजन अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर मिल जाता है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, 88.5 BHP की पावर है, और ए भाई 113 Nm का टॉर्क भी मिल जाता है। तो ये है इग्निस का बोनेट। थोड़ा सा भाई छोटा आपको फील होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं और हल्का भी है। 4 सिलेंडर इंजन है जो कि भाई माइलेज आपको अच्छी खासी प्रोवाइड करेगा। यही इंजन आपको सेम बलेनो और फ्रॉन्क्स हो गई, बलेनो होगी, डिज़ायर होगी, स्विफ्ट होगी, वैगनार के 1.2, यानी सब में आ जाता है यही वाला इंजन, कोई भी खास डिफरेंस नहीं है। क्लैडिंग आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको ये चीज़ अच्छी देखने को मिल जाती है। थोड़ी सी लुक्स में आपको इन्हेंसमेंट देखने को मिलेगी। बाकी भाई इग्निस के बारे में यही सारी की सारी हैं बातें। स्पॉइलर भी आपको मिल जाता है, पीछे आपको वाइपर है, वॉशर, डिफॉगर, ये तीनों चीज़ें हैं। बूट स्पेस की बात करें तो वो भी ओपन करके आपको दिखा देते हैं फिलहाल। तो यहाँ पर भाई बूट स्पेस कुछ ऐसा मिल जाता है अपनी इग्निस के अंदर। छोटा सा बूट स्पेस है लेकिन ठीक है। स्पेयर व्हील की बात करें तो R15 साइज का ये भी है। और भाई फ्रंट से इंटीरियर की लुक ना कुछ ऐसी आ जाती है अपनी मारुति इग्निस के अंदर। यहाँ पे कवरिंग भी है, आराम से बंद करिए और इंजॉय करिए अपनी ब्लैक गाड़ी। ऊपर रूफ रेल्स भी है, रेडियो एंटीना है। फटाफट इंटीरियर भी अब कवर अप कर लेते हैं। तो ब्लैक एडिशन में भी अपने को इंटीरियर पे कोई भी चेंज नहीं है, ये आपको हाथ से एडजस्ट करनी पड़ेगी। अब आ चुके हैं मारुति इग्निस के इंटीरियर पे। जो स्टेयरिंग है यहाँ पे भाई, ये कवर आप मत लगवाना, बहुत चीप सा लगता है, देख सकते हो भाई क्या क्वालिटी है। बाकी लॉक अनलॉक का फंक्शन है, अच्छे से
15 का एवरेज अभी गाड़ी फिलहाल दिखा रही है, 62 किलोमीटर चली हुई है। MID आप देख सकते हो, टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर है, वो भी अपना डिजिटल नहीं है, ये आपका मैनुअल है। यहाँ पे ट्रैक्शन का बटन आपको मिल जाता है अपनी इग्निस के अंदर। यहाँ से जो आप इसकी ट्रिप विप देख सकते हो, यहाँ पे आपको बटन नहीं है, कोई डंडी नहीं दे रखी है, इस साइड से आपको ये इसकी कन्वर्ट करनी पड़ेगी। अब आ चुके हैं भाई अपना टच स्क्रीन पे आ जाते हैं, तो वही अपना 7 इंच का टच स्क्रीन है, बड़ा सा दिखता है लेकिन है काफ़ी छोटा सा। क्रोम AC वेंट्स मिल जाते हैं चारों साइड पे आपको, और यहाँ पे फिनिश आप देख रहे हो ना, कार्बन फाइबर की फिनिश आपको चारों जगह देखने को मिल जाती है। ग्लोव बॉक्स का साइज भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे भी बहुत बढ़िया सी स्पेस है। गाड़ी छोटी है लेकिन स्पेस के मामले में ठीक ठाक सी है, 1 1 लीटर बॉटल पीछे आपकी आ सकती है। बाकी यहाँ पे 2 छोटे छोटे ग्लास, 12 वॉट्स का आउटपुट, आपका USB ऑक्स का सपोर्ट, और भाई मैनुअल AC आ जाता है यही सेम वाला अपनी इग्निस के अंदर। ऑटोमेटिक AC आपको इसके टॉप एंड में मिलता है। एक चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे, इसके ये डोर पे पकड़ने वाला हैंडल जो कि भाई काफ़ी बढ़िया फर ग्रिप अपने को प्रोवाइड कर देता है। पीछे के डोर्स की बात करें तो यहाँ पे डुअल टोन का फिनिश है, ब्लैक और यहाँ पे बेज। इसको थोड़ा सा भाई आपको साफ रखना पड़ सकता है, वरना हाथ लगाए लगाए बहुत गंदा हो जाएगा। छोटी सी 1/2 लीटर वाली बॉटल आ जाएगी यहाँ पे। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं चारों के चार, तो यहाँ पे बैठने में तो कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी आ चुके हैं भाई इंटीरियर की ओर। इंटीरियर की लुक भाई इग्निस में काफ़ी अच्छी है, बैठने में फील भी काफ़ी अच्छा है। 2 एयरबैग्स आते हैं इस गाड़ी में, और भाई ये रूफ लाइट अपने को सिंगल मिल जाती है, पीछे कोई भी रूफ लाइट नहीं है यहाँ पे। हालांकि सॉफ्ट क्लोजिंग वाला फीचर भी है, और पीछे रियर AC वेंट नहीं मिलेंगे। बस यही हैं बातें अपनी मारुति की इग्निस की, छोटी सी ब्लैक कलर की माफिया। करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कैसा लगा भाई वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टाटा। मारुति इग्निस ब्लैक एडिशन।